तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन जो है वो है हमारा 11वां क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, डेढ़ घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये रहा हमारा क्या क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने सबसे पहले थे दिशाओं के बारे में इन्होंने बोला है। तो भाई हमारी दिशाएं कितनी होती हैं, चार दिशाएं होती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, ईस्ट, ठीक है, ये हमारी वेस्ट, ठीक है, और ये हमारा क्या है नॉर्थ, और ये हमारा क्या है साउथ, ठीक है। अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा क्या है पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ठीक है, ये हमारा उत्तर है, और ये हमारा दक्षिण है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चारों दिशाएं जो हमने लिख दी। इन्होंने कहा है कि एक हवाई अड्डा है, मान लो ये हवाई अड्डा यहाँ पे है, इसने कहा है कि एक हवाई जहाज़ उत्तर की ओर चला, मान लो यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है, उत्तर की ओर ये चला है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये जो हवाई जहाज़ था ये चला था 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब एक घंटे में वो कितना चलेगा, 1000 किलोमीटर चलेगा एक घंटे में। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ एक घंटे में 1000 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला हवाई जहाज़ जो है ये इसकी चाल क्या है, एक हवाई जहाज़ उत्तर में चला था तो हमने उत्तर में चला दिया, एक हवाई जहाज़ पश्चिम में चला था तो हम पश्चिम, हमारा ये दिशा है ना, तो इधर हमने चला दिया। इधर जो हवाई जहाज़ चल रहा है वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हवाई जहाज़ जो है एक घंटे में 1200 किलोमीटर जाता है, और उत्तर वाला जो हवाई जहाज़ है वो एक घंटे में 1000 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तेज कौन उड़ रहा है। फिलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, तेज कौन उड़ रहा है भाई, जो ज़्यादा दूरी तय करेगा वो ज़्यादा तेज, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज चलेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इन्होंने कहा है कि डेढ़ घंटे बाद, ठीक है, डेढ़ घंटे बाद, डेढ़ का मतलब क्या होता है, एक प्लस आधा, ठीक है, एक प्लस आधा मतलब डेढ़ घंटे बाद मान लो ये पहुंच गया है यहाँ पे और ये पहुंच गया है यहाँ पे, डेढ़ घंटे की बात हो रही है, दोनों साथ ही साथ चले थे भाई। एक घंटे में ये वाला कितना चल रहा है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, एक घंटे में ये वाला चल रहा है 1000 किलोमीटर। अब आधे घंटे में कितना चलेगा, आधे घंटे की बात की जाए तो एक का आधा ही तो आधा होता है, ठीक है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा 500, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी 1500 हो जाएगी। मतलब यहाँ की अगर दूरी निकाली जाए तो वो कितनी निकलेगी, 1500 किलोमीटर। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, ये एक घंटे में चल रहा है 1200 किलोमीटर, अगर आधे घंटे की बात की जाए, एक में 12 चल रहा है तो आधे में 600 चलेगा, तो हमारा 600 आधे में चल रहा है, जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1800 किलोमीटर। मतलब इसने जो दूरी तय की है वो 1800 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब इन दोनों की दूरियां जो है वो हमें पता चल गई हैं कि वो डेढ़ घंटे बाद कहाँ कितनी दूरी तय किया है, ये डेढ़ घंटे बाद कितनी दूरी तय किया है। हमें बताना क्या है, डेढ़ घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो हमें निकालनी है। मान लो ये ओ है, ये हमारा ए हवाई जहाज़ है और ये हमारा बी हवाई जहाज़ है, तो ए बी हमको ज्ञात करना है। बहुत ही डीपली आपको समझा रहे हैं हम, ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम जानते हैं भाई दोनों एक दिश हर दिशा के बीच में, मतलब इसके बीच में 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो हमारा त्रिभुज बना है ए ओ बी ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है,
अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये कहता है भाई कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो हमारे आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रखना, ये जब कोई भी आप फार्मूला लिखोगे इस चीज़ को ब्लॉक में ज़रूर बंद कर देना, ऐसे टीचर्स के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन बनता है। ठीक है ना, हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि भाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये हमारा कर्ण होती है, ये इधर हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। ठीक है, तो कर्ण हमारी क्या है, ए बी है। ठीक है, यही हमें निकालना है। और आधार जो है वो हमारा ए ओ है, और ओ बी जो है वो हमारा क्या है, ओ बी क्या है, हमारा लंब है। तो ए बी जो है वो हमें पता ही नहीं है, तो ए बी को हम ए बी ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब ए ओ के बीच की दूरी जो है वो हमें पता है, वो कितनी है, 1800 किलोमीटर है। कितनी है, 1800 किलोमीटर है। इसका हम कर देंगे स्क्वायर। प्लस ओ बी जो है वो हमारा कितना है, 1500 है, तो हम क्या कर देंगे, 1500 का स्क्वायर कर देंगे। अब थोड़ा इधर खिसका के लिखते हैं, क्योंकि स्पेस जो है मुझे लग रहा है ज़्यादा चाहिए होगा। तो ए बी स्क्वायर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर हम जानते हैं, अभी हमको दिख रहा है 1800, पर हम स्क्वायर किसका निकालेंगे, 18 का निकालेंगे। तो 18 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 324 होता है। यहाँ पे जितने जीरो लगे होते हैं अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे दुगने हो जाते हैं, मतलब दो जीरो थे तो हमारे 4 जीरो हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे करेंगे 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है, और यहाँ पे दो जीरो थे इसके दुगने हो जाएंगे, मतलब 4 जीरो जो है वो हमारे हो जाएंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 4 जीरो तो हैं ही, तो 4 जीरो ऐड होके हमारे 4 जीरो ही आएंगे। 4 और 5 हमने जब जोड़ा तो हमारा 9 आया, 2 और 2 जोड़ा हमारा 4 आया, 3 और 2 जोड़ा तो हमारा 5 आया, 549 आया है हमारा। ये क्या आया है, ए बी का स्क्वायर आया है। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब ये स्क्वायर हटा तो दिया, पर हट के कहाँ जाएगा, इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा। मतलब क्या, 4549 लिखा था, ये हमारे 4 जीरो लगे थे, इनके ऊपर ये वर्गमूल चढ़ा देगा। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, 549 जो दिया गया है उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब भाई इतना लंबा चौड़ा हमें वर्गमूल तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ध्यान से देख लो, ये जो 549 है इसका हम लासा निकालेंगे। ठीक है, 3 से कर लेते हैं, 3 से अगर हम, कैसे पता चलेगा तीन से कटेगा कि नहीं, कुछ नहीं, अंकों का योग करेंगे, 5 और 9 9 9 18 18 जो है 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 2 बचा, 3 8 24 3 3 9। अब हम वापस से 3 से करेंगे, 3 जितना 18 3 एकम 3, अब तो 3 से जाएगा नहीं, ये 61 बचा है, 61 तो किसी के पहाड़े में भी नहीं होता, मतलब इतना ही रह गया हमारे पास। तो कुछ कुल इतने गुणनखंड हमारे पास निकल के आए हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, किस तरीके से, 3 × 3 × 61। ठीक है, अब 4 जीरो हमारे लगे हुए थे, इन 4 जीरो को हम क्या कर लेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लें। ठीक है, क्योंकि हमें जोड़ा बनाना है तभी तो हमारा वर्गमूल निकलेगा, फिलहाल इसका तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना। अब हम यहाँ पे 4 जीरो हैं तो हम 104 जीरो को हम क्या कहते हैं, 4 जीरो हैं अगर किसी संख्या में तो हम इसको 10,000 कहते हैं, अगर इसको 2 2 में तोड़ेंगे तो हमारा 100 × 100 करेंगे तभी तो इतना आएगा, तो हम इसको 100 × 100 कर लेंगे। ठीक है, अलग से इसका लासा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना तो सेंस आपको होगा ही। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, 2 के जोड़े बन गए। अब जिसका जोड़ा बन गया है उसको हम बाहर ले आते हैं, इसका जोड़ा बना था, किसका जोड़ा बना था, 3 का जोड़ा बना था, इसमें किसका जोड़ा बना था, 100 का जोड़ा तो बना था, तो हम 100 को बाहर ले आए, किसका जोड़ा नहीं बना है, 61 का जोड़ा नहीं बनाया, तो उसको अंदर ही रहने दो। इतना हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 और 100 की गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ रहा है, ए बी। 3 और 100 की गुणा की तो हमारा 300 आ गया, अंदर हमारा क्या था, 61 था। ठीक है, अब ए बी ये जो हमारा क्या निकला है, ये ए से बीच की दूरी, मतलब दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी है, ये इन्होंने दूरी को किलोमीटर में बताया है। ठीक है, इस तरीके से ये जो आया है वो हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों
हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 300√61 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर को लिख देंगे। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है क्लास जो आपको अच्छी लगी होगी, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। अगर आपको आपकी मैथ्स जो है कमज़ोर है, आपको समझ में नहीं आता कैसे क्या कब कुछ भी हो जाता है, तो आपको इसके लिए बेसिक मैथ्स वाली क्लासेज लेनी होंगी, जो कि आपको कहाँ पर लेनी होंगी, हमारा दूसरा चैनल जो जो बेसिक मैथ्स पे जाइए, वहाँ क्लासेस लीजिए। और उसकी प्रैक्टिस जो है इस चैनल पे शाम के 8 बजे कराई जाती है, तो इतना काम कर लेना। और हमारे घर में रिसेंटली शादी का फंक्शन हुआ था, हमारी बहन की शादी थी। अगर आपको ब्लॉग्स वगैरह देखने हैं तो ब्लॉग वाले चैनल पे चले जाना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको बता दें हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका नाम है जो जस स्टडी। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सभी बुक्स फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।